नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हमारा चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आप भी अगर सक्सेस का भूखा है, आपका अंदर बड़ा कुछ करने का जज्बा है, सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ भी करने का इरादा है, तो फ्रेंड आप सही प्लेटफॉर्म पे आए। आपसे आपका सक्सेसफुल बनाने का जिम्मेदारी हमारा है। फ्रेंड, सक्सेसफुल बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए पैसा जायदाद का जरूरत नहीं पड़ते। जो चीज का जरूरत पड़ते है वो है दिमाग। जिसका अंदर टैलेंट है फ्रेंड, वो पैसा सोर के भी, कोई भी जायदाद सोर के भी ऊपर चला जाएगा। और जिसके पास ये नहीं है, उसको जितना पैसा के ऊपर भी बैठा दो, वो मिट्टी तक आ जाएगा। हमारे टीम में हमेशा कोशिश करते हैं आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपका अंदर जो खुफिया है उसको बाहर निकाल के कैसे सक्सेसफुल बना सकते, वो तरीका हमेशा बताते रहते। हो सकता है आपका अंदर जो खुफिया है, वही खुफिया काम के लगा के दोस्त को आदमी करोड़पति भी मान रहे, हजार हजार आदमी। आपका जो अंदर जो खुफिया है, उसका अंदर भी एक ही खुफिया है, वो करोड़पति बन गया। उसको सही गाइडलाइन मिला और आपको सही गाइडलाइन नहीं मिला, इसलिए आप अभी तक ऐसा है। आपका अंदर भी है तो वो टैलेंट को काम पे लगाने का टाइम अब आ चुका है। आपको पूरा का पूरा गाइडलाइन करते रहेगा हमारे टीम में। हमारा टीम आपको हमेशा गाइडलाइन करते रहेगा। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते, सक्सेसफुल बनना चाहते, आप कोई सही दिशा में जाना चाहते, आपको टैलेंट पे काम पे लगाना चाहते, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और सही गाइडलाइन लेके आपका खुद का लाइफ को सक्सेसफुल बनाए। और आपको ये गाइडलाइन दिया जाएगा पूरा के पूरा फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। बिजनेस आइडिया से लेके शुरू करके ऑनलाइन इनकम, ऑफलाइन इनकम, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्निकल सारे चीजें आपको सिखाया जाएगा, वो भी पूरा के पूरा फ्री कोर्स में। तो फ्रेंड, आप अगर सीखना चाहते कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मेरा फिलहाल जो कोर्स चल रहा है, आप लो इन्वेस्टमेंट में कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते, ऐसा थोड़ा बहुत बिजनेस आइडिया आपको देते रहता हूँ। तो आज जो बिजनेस आइडिया को लेकर फ्रेंड बात करने वाला हूँ, वो है आप असर का बिजनेस करके कैसे महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। फ्रेंड, ऐसा अगर हो सकते जो आप असर का बिजनेस करके भी महीने में लाखों रुपए कमा सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। फ्रेंड, आप अगर ढूंढने जाओगे बाजार में, तो असर का बिजनेस करा करोड़पति भी मिल जाएगा, लाखोंपति भी मिलेगा, करोड़पति भी मिलेगा। और ऐसा आदमी भी आपको मिल जाएगा जो बिल्कुल डूब चुका है। हर बिजनेस में ऐसे आपको मिल तो रहेगा, जो एक ही बिजनेस करके कोई डूब गया और कोई करोड़पति बन गया। तो फ्रेंड, आपको सही गाइडलाइन का जरूरत है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे कोई भी बिजनेस करके, आपका अंदर अगर फ्रेंड टैलेंट है तो असर का बिजनेस तो सॉरी है, आप कोई भी बिजनेस करके बड़ा बन सकते। लेकिन हर आदमी को कोई सीखना पड़ते, आपका अंदर टैलेंट है लेकिन वो टैलेंट काम पे तब लगेगा जब आप कुछ सीखोगे। तो फ्रेंड, हमारा टीम में हमेशा आपको गाइड करते रहेगा। तो आज ये वीडियो में आपको बताते आप कैसे असर का बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए देख लेते, पहले से लेकर आखिरी तक आपको बताऊंगा डिटेल्स में। और एक बात फ्रेंड, आप वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहे, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो ऐसा कोई बात आपको मालूम नहीं पड़ेगा जो बात आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अचार बनाना तो सीख जाओगे लेकिन वो काम पे कैसे लगाना वो नहीं सीख पाओगे। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप करके आखिरी तक देखते रहे। तो फ्रेंड, इधर में 1 किलो आम ले लिया, और क्या क्या सामान आपको इधर में लगने वाला है इधर में देख पाओगे, कौन कौन सा मसाला आपको देना है। थोड़ा बहुत मसाला कम ज्यादा भी कर पाओगे, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ते। तो सबसे अच्छा रहेगा मैं जो 1 किलो का हिसाब से लिया वो भी आप ऐसे ही लेना। जैसे 25 ग्राम दाल ले लिया, 25 ग्राम गुड़ ले लिया, और इधर में देख सकते हैं नमक ले लिया 25 ग्राम, और इधर में सौंफ ले लिया 2 चम्मच का, फिर जीरा ले लिया 1 चम्मच, हल्दी ले लिया 1 चम्मच, फिर लाल मिर्च ले लिया, फिर मिवांग ले लिया, फिर रसुन, फिर कालजी। ये सामान आपको लगने वाला है, तो ये सामान आप कलेक्ट कर लेना। फिर आम को फ्रेंड छोटा छोटा पीस करके काटना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सिल्का है वो फेंकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिल्का भी रख देना। तो मैं जैसे कर रहा हूँ देख सकते, सिल्का भी रख दिया, और अच्छा करके साइज कर लेना, अंदर का बीज भी फेंक देना। और अभी फ्रेंड इसका अंदर थोड़ा
हल्दी और मिर्ची देके ये मिक्स कर लेना, अच्छा करके मिक्स करना पड़ेगा। और फ्रेंड इधर में सरसों का तेल ले लेना एक पाव भर, 250 ग्राम बोल सकते। और वो तल देना। फिर जीरा जो है फ्रेंड वो जरा आग में सेकना पड़ेगा, जीरा और आपका जो सौंफ है वो एक मिनट तक ऐसे सेक लेना। फिर फ्रेंड इसको मिक्सर में देना पड़ेगा, पूरा मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिक्सर में नहीं देगा तो पूरा नहीं होगा। तो इसका साथ फ्रेंड जो दाल है दाल भी थोड़ा देर तक जैसे अच्छा करके खाना पकाने का पहले बना लेते ऐसे ही बना लेना। ये भी अच्छा करके बनाने के बाद एक मिनट तक बनाना, फिर इसके साथ मिक्स करना पड़ेगा मिक्सर में देके, पूरा मिक्स कर लेना। मिक्सर नहीं है तो हाथ से भी कूट सकते। फिर इसके साथ मिक्स कर देना। अब देख सकते हो जितना भी मसाला है इसके साथ में मिक्स कर रहा हूँ, तो अब भी कुछ इस तरह मिक्स कर देना। जो जो सामान में बोला था पूरा का पूरा सामान इसमें डालना पड़ेगा। अभी जितना हो सके उतना अच्छा करके मिक्स करना, जितना अच्छा मिक्स होगा तो इसका क्वालिटी उतना अच्छा रहेगा। और एक बात है फ्रेंड, ये इतना जल्दी खराब तो नहीं होते। फिर इसके अंदर तेल मिक्स कर देना। तेल मिक्स करने के बाद फ्रेंड आपको दो एक दिन के लिए रख देना पड़ेगा। और जो गर्म तेल इसमें डाल दिया तो आपको दूसरा बार आग में देने का जरूरत नहीं है, तो दो दिन का बाद ऐसे कुछ बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते फ्रेंड सिर्फ दो दिन में कितना अच्छा बन के रेडी हो गया। अरे फ्रेंड इतना अच्छा चीज़ है जो दो तीन साल तक आपको अच्छा रहते, ये ख़राब नहीं होते। लेकिन आपको अच्छा पैकिंग करने का ज़रूरत पड़ता है। अगर अच्छा पैकिंग करके रखोगे तो दो तीन साल तक अच्छा रहेगा और दो तीन साल तक आप सेल कर पाओगे इसका। तो फ्रेंड ये जो सामान है दो तीन साल तक अच्छा रहते हैं, ख़राब नहीं होते। और अभी आपको जो करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको बाजार में से डब्बा खरीदना पड़ेगा, जो डब्बा में आप बेच सकते। तो पहले जरा सस्ता क्वालिटी का डब्बा खरीदना। और आपका कंपनी का कोई भी नाम देना चाहते तो आपके पास में कोई भी बाजार है, बाजार में आपको कोई ना कोई वो कंपनी का नाम, फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर डालने वाला मिल जाएगा, तो उधर से एक सील छपा के लेके आना। और ये डब्बा का मुंह सील मारने के लिए फ्रेंड एक मशीन मिलते बाजार में, बहुत ही सस्ता मिलते, तो वो मशीन भी आप लेके आ सकते, तो आपको बहुत ही काम में जल्दी कर पाओगे। तो सील मार के फिर आपका कंपनी का जो मामप्लेट आते हैं वो भी डाल सकते हैं, डाल के फिर बाजार में जाके सेल करना। तो फ्रेंड मैं पहले तो यही सजेस्ट करूंगा, आप पहले जो दुकानदार को पास जाके सेल करोगे इसको सेल जरा सस्ता में करना, क्योंकि पहले से काफी अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट उसके पास मौजूद रहते, तो वो हिसाब से अगर उसको रेट जरा मार्जिन में जरा रेट ज्यादा लिखना और अब उसका जो सेल दोगे दुकानदार के पास तो वो जरा सस्ता में देना। पहले अगर सस्ता में दोगे तो वो ज्यादा सेल होने लग जाएगा, तो आपको जल्दी से जल्दी आपका बिजनेस ग्रोथ हो पाएगा। ऐसे तो बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं होता है। और एक काम कर सकते फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मान लो जो दुकान में आपका अचार वगैरह देखे जाते, फिर दूसरा कोई भी प्रोडक्ट बेचते तो उसके साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते। उसके पास अगर दे पाओगे थोड़ा बहुत मुनाफा देके उसको, तो एक साथ में बहुत एक साथ में ज्यादा प्रोडक्ट उसको दे पाओगे, जो आपको दुकान घूमने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप ढूंढ लोगे तो उसके पास आप लाखों रुपए का सामान उसका हाथ में देके आप सिर्फ बनाने का काम करके भी आपको सेल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर आपका सामान सेल कर देगा। तो फ्रेंड जितना आसान हो सके आप अगर चाहते तो पहले खुद दुकान में जाके भी सेल कर सकते, लेकिन पहले उसका डिमांड जरा कम रखना और मार्जिन जब लिखोगे तो रेट थोड़ा ज्यादा ही लिखना, तो दुकानदार का फायदा होगा, तो भी जाके आपका माल ज्यादा खरीदेगा। और ये फ्रेंड कौन सा प्रोडक्ट बेचेगा वो ज्यादातर दुकानदार के ऊपर डिपेंड करते, तो उसको जरा ध्यान रखना। तो आपका अगर ग्रोथ करने लग जाओगे फ्रेंड तो आप पहले एकला करना, फिर जब मुनाफा ना लग जाए तो फिर काम पे दूसरा आदमी को भी लगा सकते। तो फ्रेंड इसमें ग्रोथ करना, लाख रुपया बताया, लाख रुपया तो बहुत ही आसानी से कमा पाओगे महीने में, लेकिन अगर ग्रोथ करना चाहते तो इसमें बहुत ही आसानी से ग्रोथ कर पाओगे। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट्स तो जरूर करना। आपको कैसे लगा कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। और आप अगर हमारे साथ में जुड़ के रहना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।